सुप्रभात बच्चों, बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण पाठ 3 पाठ 5 संज्ञा, पाठ का नाम क्या है? संज्ञा। बच्चों हिंदी व्याकरण में पाठ 5 है आपका और पाठ 5 में संज्ञा। संज्ञा में अब आप कहेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा आपको पता ही होगा कि संज्ञा किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, इस पाठ में पाठ का नाम संज्ञा है। बुक में दिया है उसे पढ़ लीजिएगा। जैसे मेरा नाम नीता, नीता क्या है? संज्ञा है। मेरा नाम संगीता दीक्षित है, तो मेरा नाम जो है क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अगर आपका नाम अमन है, नीता है, मीता है, रमेश है, सुरेश है, तो ये सब क्या हो जाएगा? नाम संज्ञा हो जाएगा। अगर आप कहीं जाती हैं किसी मतलब पार्क में, तो अगर कहते हैं कि आज मुझे पार्क में जाना है, पार्क क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। अगर आप शेरू या हरियाली या दिल्ली या आगरा, ओके, माता पिता या खुशी, इन सब चीज़ों का नाम लेती हैं, अगर किसी बातचीत करने में नाम आता है, तो ये सारा चीज़ क्या हो जाता है बच्चों? संज्ञा हो जाता है। अभी हमने आपको बताया है किसी प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि संज्ञा किसी नाम, स्थान या भाव, वस्तु को हम संज्ञा कहते हैं। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया इस बातचीत करने का, जैसे हमने कहा कि हमको आज दिल्ली जाना है, तो दिल्ली क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अभी हम कहते हैं हमको बड़ी खुशी होती है तुमसे बात करके, हमको बड़ी खुशी होती है आपको पढ़ाने में, ब्लैक बोर्ड पे देखिए और मैं राइट करवाती हूँ, बहुत खुशी है। खुशी क्या है? संज्ञा है। ऐसे और इन सब चीजों को मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे देखिए आपको अलग कर दिया है, इसको अलग कर दिया। जैसे व्यक्ति के नाम, व्यक्ति का नाम जो है वो नेहा, नीता, रमेश, सुरेश और भी प्रकार के होते हैं, वो क्या है? संज्ञा है। स्थान के नाम, स्थान के नाम क्या है? पार्क, दिल्ली, आगरा, मुंबई, पटरौना, ओके, श्रीगंधा, गुरुकुल, ये भी हो जाएगा। क्या होगा? ये आपका स्थान हो जाएगा, जगह हो जाएगा। आइए हम वस्तु के नाम, वस्तु के नाम जैसे बिस्किट, नमकीन, खाने वाला जो भी चीज है, हाँ, तो उसका नाम क्या हो गया? संज्ञा हो गया। फिर यहाँ पे भाव के नाम, जैसे मैंने कहा किसी भाव को मतलब किसी चीज को आप बहुत खुशी दिमाग से देखते हैं, किसी भाव प्यार भाव से देखते हैं, खुशी, हरियाली, तो ये क्या हो गया आपका? संज्ञा हो गया। बच्चों मैंने अभी आपको बताया, फिर एक बार बताती हूँ मैं आपको, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं या वो संज्ञा कहलाता है। जैसे महात्मा गांधी, करीना कपूर, हाथी, ओके। तो बच्चों आज आप लोगों ने ये भी पढ़ लीजिएगा आपने, जैसे आइसक्रीम, जूते, खिलौना, दिल्ली, ओके बच्चों, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान सब रखने वाला संज्ञा का ज्ञान होता है। तो बच्चों आप ये पाठ पढ़ लीजिएगा और संज्ञा के बारे में जान लीजिएगा और वीडियो देखिएगा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।